से। देखो मतलब कैसे इसको फ्राई घी में फ्राई किया गया है। वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द पिंक सिटी जयपुर। हम पहुंच गए हैं जयपुर और हम यहां पे एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत सारा लोकल क्यूजीन और लोकल खाना। सो लेट्स गो एंड ईट। सबसे पहले मैं पहुंच गई हूँ रावत कचौड़ी और रावत स्वीट्स और यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ यहाँ का आलू प्याज कचौड़ी। और ये जो आलू प्याज कचौड़ी था ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था, मतलब इतना अच्छा टेस्ट था और इतना क्रिस्पी था, बहुत ही सही। तो ये है मावा कचौड़ी, इसके अंदर मावा है फिल किया हुआ और इसको शुगर सिरप में डिप किया जाता है। ओहो हो भाई साहब, अंदर तो ये मावा एकदम पूरा फिल किया हुआ है। अमेजिंग, जबरदस्त है, खाने में जबरदस्त है। रेस्टोरेंट है ये फेमस है इनके एग के आइटम्स या क्यूजींस के लिए। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है दो आइटम। ये है हमारा तंदूरी पिज्ज़ा विच हैज़ बीन अगेन मेड विद एग, और ये है हमारा सैंडविच विच इज़ ग्रिल एग सैंडविच। इसको सर्व किया गया है हरी चटनी और प्याज के साथ। ये जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है जयपुर में, इनके जो ओनर है ही हैज़ बीन अ मास्टर शेफ कॉन्टेस्टेंट। तो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ ये तंदूरी पिज्ज़ा। आप देखो इट इज़ फुल लोडेड विथ चीज़ एंड ऑल एंड इसमें एग भी है, मतलब पहले उसके ऊपर से चीज़ का कोटिंग है। सो नाउ लेट्स टेस्ट दिस तंदूरी पिज्ज़ा। इट्स अमेजिंग, मतलब कोई बोल नहीं सकता है। बहुत सही सा तंदूरी पिज्ज़ा खाने के बाद अब मैं ये सैंडविच ट्राई करने वाली हूँ एंड दिस इज ऑल्सो लुक्स टू बी लोडेड। मैं इसको खोल के देखने वाली हूँ। सो इसमें भी सॉस दिया गया है एंड इट हैज़ वेजिटेबल्स चीज़ एंड ऑल एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज ऑमलेट जो दिया गया है एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्रिल्ड ऑमलेट सैंडविच। टेस्ट एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है दोनों का काफ़ी सिमिलर है, बट जो पैटर्न है ये ब्रेड में है और ये पिज्ज़ा बेस में डाला गया है सो वो अलग है। अगर आप जयपुर आते हैं एग डी शुड डेफिनेटली बी इन योर बकेट लिस्ट खाने के मामले में। अभी हम आ गए हैं पनीर टिक्का खाने। सो पनीर टिक्का इज़ जनरली नॉट एन आइटम जो मैं प्रेफर करती हूँ, बट ये जो शॉप है बहुत ही फेमस है यहाँ पे एंड आप भीड़ देख लो, मतलब लिटरली रश लगी हुई है यहाँ पे पनीर टिक्के एंड सोया चाप के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट पनीर टिक्का लिया है और ये 8 पीसेस आते हैं 100 रुपीज़ में एंड इसको ये 2 तरीके की चटनी के साथ सर्व किया गया है। लेट्स टेस्ट। पनीर का तो टेस्ट ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मसाले इतने सही है, उसके साथ ना खटास है और प्लस ये चटनी अलग ही कॉम्बिनेशन दे रही है। अल्टीमेट टेस्ट है भाई, अल्टीमेट टेस्ट। डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिकमेंडेड प्लेस टू ट्राई दी पनीर टिक्का एंड देयर सोया चाप। अभी हम आ गए हैं MI रोड में लस्सी एक्सप्लोर करने और
और ये जो शॉप है ये मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पे तो बहुत सारे शॉप्स हैं लस्सी वाले के, तो आपको देखना होगा कि सबसे पुराना कौन सा है, बट आप किसी से भी ट्राई कर सकते हो बिकॉज इनका टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ये जो लस्सी है ये बड़ी वाली लस्सी है, ये 70 रुपए की है एंड इसके ऊपर देखो मलाई दी गई है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। सो लेट्स टेस्ट दिस नाउ। बर्फ नहीं डाली गई है, ये नेचुरल ठंडा है एंड ये जो मलाई का टेस्ट है ना बहुत सही है। मतलब लस्सी तो मीठी है बट ये जो ऊपर वाली मलाई है ये भी काफ़ी अच्छा है, बहुत टेस्टी है। हम डिनर में ट्राई करने वाले हैं कुछ बहुत ही ऑथेंटिक राजस्थानी डिशेस जो कि है प्योर नॉन वेजिटेरियन एंड उसमें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है ये है जंगली मांस, जिसे बनाया गया है घी में रोस्ट कर करके बहुत टाइम तक पकाया जाता है। ये है हमारे पास लाल मांस जो कि पथानिया मिर्ची से बनाया जाता है। आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस। अब देखो मतलब कैसे इसको फ्राई घी में फ्राई किया गया है। पहले मुझे लग रहा था शायद उतना तीखा नहीं होगा, बट ऐसा लग रहा है ना मुँह में एक वो मिर्ची थोड़ा सा ब्लास्ट हो रहा है, मतलब वो ग्रेवी के साथ। बट ऐसा नहीं है कि आपको उसके साथ पानी पीना पड़े, सो इट्स अ वेरी यूनिक टेस्ट जो मेरे को उसको खाने के बाद लग रहा है। आई एम लाइकिंग द टेस्ट। तो मैं इसको मटन को ट्राई कर रही हूँ। अभी मटन पका है बट उसके जैसा नहीं है, यू नो नॉट सेम एज जंगली मांस, बट हाँ इसका भी मटन काफ़ी सॉफ्ट है। मटन फ्रेश है खा के लग रहा है, बट द ग्रेवी इज़ रियली नाइस। मतलब पहले मुझे नहीं लग रहा था बट अभी धीरे धीरे वो जो तीखापन होता है ना, लाइक वो मेरे मुंह में से फील हो रहा है, सो आई कैन फील दैट स्पाइसीनेस इन माई माउथ, बट इट्स गुड। डेफिनेटली डेफिनेटली यू नो यू कैन ट्राई इट बिकॉज ये बहुत ही फेमस है राजस्थान का, वन ऑफ द वेरी फेमस मटन डिश ऑफ राजस्थान। फिलहाल मेरे सामने है बहुत सारा खाना जिसे मैं खाती हूँ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड बी सेफ।